अपनी नाव का छेद भरने के बजाय भाजपा की नैया डुबाने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। जहां कांग्रेस और पार्टी के समर्थक 2019 चुनाव से पहले ये दावा ठोकते हुए नजर आ रहे थे कि भाजपा की लहर अब खत्म हो चुकी है, तो वहीं कर्नाटक में ये बात साफ हो गई है कि सबसे बड़ी पार्टी आज भी बीजेपी ही है। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का रास्ता भी आसान नहीं होगा। भाजपा को कर्नाटक में पूर्ण बहुमत मिलते मिलते रह गया, जहां 112 के आंकड़े को छू लेने के बाद ही कर्नाटक में भाजपा की सरकार बन सकती थी, तो वहीं भाजपा महज 104 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब जैसे कर्नाटक कहा कि कांग्रेस को अपनी नैया बचाने की बजाय भाजपा की नैया डुबाने में ज्यादा दिलचस्पी है, जैसे ही नतीजों के दिन दोपहर के बाद भाजपा 104 सीटों पर स्थिर हुई, वैसे ही कांग्रेस ने जेडीएस के सामने झुकने का फैसला कर लिया। कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया कि वो जेडीएस के साथ समर्थन की सरकार बनाएगी। ये ऐलान कांग्रेस के लिए और साथ साथ राहुल गांधी के लिए आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकता है। कांग्रेस ने ये तक नहीं सोचा, राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद ये कांग्रेस का पहला चुनाव था जो कि कांग्रेस बुरे तरीके से हार गई। हारी तो हारी, उसके बाद सत्ता हासिल करने की लालसा में कांग्रेस तुरंत जेडीएस के सामने समर्थन की सरकार बनाने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन आपको याद दिला दें कि अपनी रैलियों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद जेडीएस के लिए कहा था कि एस का मतलब सेक्युलर नहीं बल्कि संघ होता है। राहुल गांधी ने कहा था कि जेडीएस भाजपा की ही टीम है, और अब खुद राहुल गांधी जेडीएस के सामने झुकने की, जेडीएस के साथ समर्थन की सरकार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस सत्ता पाने के लिए किस हद तक जा सकती है। इसके साथ साथ कांग्रेस का ये दावा भी कमजोर हुआ है कि लोकसभा 2019 के चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी विपक्ष के सबसे कद्दावर नेता हो सकते हैं। कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी ने खुद को मोदी के बराबर दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अध्यक्ष महोदय ने कई सारी रैलियां की थी और कई बड़ी बड़ी बातें कह दी थी, लेकिन राहुल गांधी को इसका कोई फायदा नहीं मिल सका। और अब भाजपा की बात करते हैं। भाजपा को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहुमत आते आते रह जाना उनके लिए भी चिंता का बड़ा विषय है। 2019 चुनाव में भाजपा को कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। इन सब बातों के बाद अब सवाल ये उठता है कि कर्नाटक में आखिर सरकार कौन बनाएगा। कर्नाटक में सरकार जिसकी भी बनेगी, लेकिन जेडीएस के हाथों में दोनों तरफ लड्डू हैं। अगर जेडीएस कांग्रेस को समर्थन देती है तब भी वो सरकार में रहेगी, और अगर जेडीएस भाजपा को समर्थन देती है तब भी वो सरकार में रहेगी। ऐसे में जेडीएस को भाजपा और कांग्रेस की राजनीतिक दुश्मनी का बड़ा फायदा मिल रहा है। हालांकि जेडीएस को कांग्रेस और भाजपा से कम सीटें मिली हैं, जहां भाजपा को 104, कांग्रेस को 78 सीटें, तो वहीं जेडीएस को 38 सीटें मिली हैं। जी हां, केवल 38 सीटें। और अब जेडीएस भाजपा या कांग्रेस किसी एक को समर्थन देकर सरकार में बैठेगी। यहां कांग्रेस को राहुल गांधी के उस बयान का बड़ा नुकसान हो सकता है जिसमें राहुल गांधी ने खुद ये बात कह दी थी कि जेडीएस भाजपा की ही टीम है। राहुल गांधी ने कह दिया था कि जेडीएस के एस का मतलब सेक्युलर नहीं बल्कि संघ है। बताते चलें कि अब राज्यपाल सरकार बनाने का सबसे पहला मौका भाजपा को देंगे। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा अगर अपना बहुमत साबित करने में सफल हो जाती है तो कांग्रेस मतलब डूबी समझिए। फाइनल कट, न्यूज डेस्क। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।